दोस्तों, मैं हूं सीता काले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सीता काले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है इस बीमारी की वजह से, और इस बीमारी ने हर तरफ तहलका कोहराम मचा रखा है। और किनवट में भी इस बीमारी के पेशेंट हर रोज़ मिलते ही जा रहे हैं, और इस बीमारी ने अभी जोर पकड़ रखा है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर पत्की साहब है, जो कि डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, और इन्होंने और उनसे पूछते हैं कि इस बीमारी का रोकथाम क्या है और इस बीमारी से कैसा छुटकारा पाए, और इस बीमारी से डरना चाहिए, कैसा डरना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, हम पूछते हैं पत्की साहब से। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिरीष पत्की। आज मुझे ये जो बात करने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं इस न्यूज चैनल को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज बात करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि हम जो कुछ दिनों पहले कोरोना बहुत दूर समझते थे, तो वो अपने घर तक आ चुका है। तो ऐसे इसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कोरोना अपने घर के अंदर ना आ सके और हम सब लोग, घर के बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग सेफ रह सके। तो पहली चीज़ ये है कि अपने को इसका डर निकालना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ अपन एहतियात बरतते हैं, तो इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये चीज़ें क्या है ये आपको मैं शॉर्टली बताऊँगा। पहली चीज़ है जो गवर्नमेंट बता चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप कहीं पर भी जाओ, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन अपने को दो गज की जो दूरी है वो अपने को बनाए रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मास्क, बगैर मास्क के कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जाना, या कोई भी दुकान में जाना है, कोई हॉस्पिटल में जाना है, बाजार में जाना है, तो हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको विथ मास्क के साथ ही रहना है। ये दो सबसे बड़ी चीज़ें जिससे हम कोरोना से अच्छी तरह से बच सकते हैं। आज जितने भी केसेस किनवट में या हर जगह बढ़ रहे हैं, उसका मेन रीज़न है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना और मास्क का ना पहनना। तो ये दो चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम अच्छी तरह से इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। उसके बाद घर से बाहर से अगर हम घर में आते हैं, तो हमारे पास सैनिटाइजेशन रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बाद भी अगर वायरस हमारे पास आता है, तो इस सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करके हम इस वायरस से भी मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, एक बड़ी बात है कि सेल्फ मेडिकेशन, मतलब खुद का खुद दवाई लेना। समझो किसी को सर्दी बुखार है, खांसी है, तो बहुत सारे लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, मेडिकल पे जाके गोली खा ले रहे और उससे दो चार दिन तक उनको अच्छा लग रहा। लेकिन अगर उनको पहले दिन से अगर उनको कोरोना है, तो ये दो चार दिन में क्या हो रहा कि वो घर में रह रहे, सबके साथ रह रहे, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, और हर जगह घूम भी रहे, तो ऐसे इसमें क्या होता कि उनकी तकलीफ कम होती, लेकिन उनको अगर कोरोना है तो वो 10 लोगों 20 लोगों के पास कोरोना पहुंच जाता। अब जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनमें कोरोना ज़्यादा बढ़ के उनके जान को फिर थोड़ा सा धोखा हो सकता है। इसलिए खुद का खुद दवाई लेना, ये भी हमको अवॉइड करना है, ये हमको नहीं करना है। उसके बाद पहली चीज़ है, आपको कुछ लगा तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको कोरोना की टेस्ट करना है, तो कोरोना की टेस्ट पहले कर लो, क्योंकि इसमें डॉक्टर का कोई भी स्वार्थ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि डॉक्टर को, तहसील ऑफिस को और बहुत सारे लोगों को इसमें हर पेशेंट के पीछे 1.5 लाख रुपये मिल रहा, तो ऐसा कोई भी 1 लाख 1.5 लाख रुपये मिल रहा, ऐसा सब अफवाह फैला रहे। लेकिन यहाँ पे सब डॉक्टर अपनी जान को रिस्क में डाल के काम कर रहे, तो जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, और काम करके भी उनको ऐसी अफवाह का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये सबसे मेरी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि पहले ये दिल से निकाल दो कि किसी भी डॉक्टर को पेमेंट के अलावा और कोई 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, और ये ना मिलते हुए भी डॉक्टर उनकी जान को धोखे में डाल के सर्विस दे रहे, तो उनके प्रति आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके इस विश्वास से ही डॉक्टर का मोरल सपोर्ट बढ़ता है। तो ये मेरी आप सब जनता से एक रिक्वेस्ट है कि पहले डॉक्टर के बारे में जो भी गलत फहमियाँ फैला रहे लोग, उनसे आप दूर रहिए, और जितना जल्दी आप कोरोना के टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव निकले या निगेटिव निकलो,
अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप 10 दिन में हॉस्पिटल के ट्रिपल सी में रह के आपको डिस्चार्ज मिल रहा है। बहुत सारे लोग फिरवट में भी डिस्चार्ज लेके बाहर आए हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमारी से दूर जाएंगे तो ये सब समाज के लिए धोखा है और इसीलिए कोरोना का रेट अभी बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात है कि इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं, दवाई के अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसमें खट्टी चीज़ें, मौज जैसे फल और दूसरा कुछ मीठा, तो ये हम कम से कम खाएंगे तो इसमें शरीर में इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। और इसके साथ ही हमने किन्वट में एक रोग प्रतिकार क्षमता, जैसे अपनी ताकत, अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए एक किट बनाई है जिसका नाम है आयुर्वेद अमृत किट। इस किट में हमने एक पाउडर बनाया है, तो ये पाउडर एक महीने का है जिसका हमें एक काढ़ा बना के हर रोज पीना है। उसके बाद एक गोली है जो रोजाना एक गोली आप ले सकते हैं, और ये नाक में डालने की एक दवाई है जिसे हम नस्य बोलते हैं, तो ये रोज सुबह दो दो बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स दोनों तरफ में डालना है और उसके बाद थोड़ा गरारे करना है। तो इस किट का इस्तेमाल करेंगे तो इस कोरोना के जो बीमारी फैल रही है उसमें हमारी अंदरूनी ताकत अच्छी रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। और इसके बारे में सब डिटेल्स हमने इस लिफलेट में दिए हैं, ये सब इसमें क्या मेडिसिन यूज करे हैं और इसमें क्या असर होता है, कैसे किस तरह से काढ़ा बनाना है, तो ये सब डिटेल्स हमने इस किट के अंदर इस लिफलेट में आपको पहुँचाए। तो इस किट का इस्तेमाल करके भी आप अपनी ताकत अच्छी रख के कोरोना से दूर रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देकर हम सब लोग किन्वट से कोरोना को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ डॉक्टर का ही रोल नहीं, पूरे सोसाइटी का रोल है। हम सब मिलजुल के इस बीमारी से सामना कर सकते हैं।